दोसा सिकराय के कालवान क्रेशर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कालवान गांव की सरपंच मीरा के भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण मानपुर थाने पहुंचे और प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने हाईवे भी जाम करने की कोशिश की, वहीं पुलिस ने ग्रामीणों पर बल प्रयोग कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ग्रामीण आक्रोशित होकर दोसा पहुंचे और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को आप बीती सुनाई। स्पष्ट रूप से अत्याचार है, जैसे वहाँ की महिला सरपंच बता रही थी कि तहसीलदार प्रशासन अधिकारी उन्होंने नाप के बता दिया कि ये यहाँ तक खनन अवैध है, ये क्रेशर अवैध है और हम सिल्कोसिस की बीमारी से परेशान हैं, लोगों का अस्थमा हो गया, लोग मौत के मुंह में धकेले जा रहे हैं और कुछ अधिकारी कर्मचारी और अवैध खनन करने वाले आपस में मिले हुए हैं, उससे पूरा गांव परेशान है और ये इस ढंग से उल्टा प्रभावशाली लोगों से मुकदमा दर्ज करा के वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, विशेषकर महिला जो सरपंच है उसके भाई को गिरफ्तार किया है। ये रंजिशपूर्ण कार्रवाई है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब SP कलेक्टर साहब आ गए हैं और वहाँ से तहसीलदार सिकराय और SDO को बुला रहे हैं, थानेदार जी को भी बुला रहे हैं और इनके आमने सामने बैठ के बात करेंगे। इस दौरान ग्रामीणों के साथ कालवान गांव की सरपंच मीरा भी मौजूद रही। मीरा के भाई को सुबह ही पुलिस उठाकर ले गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया हुआ है। क्रेशर का मामला बीते कई दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि क्रेशर अवैध है और इस अवैध क्रेशर के होने से यहां के लोगों को बीमारी का खतरा बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन पर भी मिली भगत के आरोप लगाए हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। पंजाब के SVT चंडीगढ़ के लिए दोसा से HN पांडे की रिपोर्ट।